guidance of Nikhil sir. So let's begin. Today I'm going to explain about blue warning. सबसे पहले हम लोग blue warning के बारे में समझने से पहले समझेंगे warning क्या होता है. तो basically warning जो है मेरे एक तरह का manufacturing process है जिसमें हम किसी भी liquid और malleable raw material से एक fixed frame को use करके किसी भी shape का प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं. और जो ये फिक्स्ड फ्रेम होता है उसको बेसिकली हम मोल्ड करते हैं. तो हम लोग देखेंगे कि मोल्डिंग जो है हमारा बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. तो इसका मतलब अगर ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास 7 टाइप्स का मोल्डिंग होता है जिसमें हो गया इंजेक्शन मोल्डिंग, फॉर्मेशन मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग, एक्सट्रूडिंग, कास्टिंग, कलेक्टिंग एंड ब्लो मोल्डिंग. और अभी हम लोग ब्लो मोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्लो मोल्डिंग का डिफिनेशन क्या है. ब्लो मोल्डिंग क्या है, मेरा एक तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी हॉलो प्लास्टिक पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. और इसका यूज़ करके हम किसी भी तरह का हॉलो पार्ट्स को, जैसे हो गया ग्लास का बॉटल्स हो गया, जार्स हो गया, और किसी भी तरह के हॉलो शेप्स को हम यूज़ कर सकते हैं, वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. और ब्लो मोल्डिंग का जो मशीन होता है उससे हम उसका जो इतना कैपेसिटी होता है कि वो 20,000 कंटेनर्स को पर आवर मैन्युफैक्चर कर सके. और इसमें एक पॉइंट हम ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जो ब्लो मोल्डिंग के द्वारा जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है उसमें हमारा जो जर्मनी है वो सबसे लीडिंग कंट्री है. सबसे ज़्यादा जर्मनी में ब्लो मोल्डिंग के प्रोसेस को यूज़ करके मैन्युफैक्चर किया जाता है प्रोडक्ट्स का. तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कितने सारे जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं करते तो बहुत ही बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हम बनाते हैं जिसका कोई काउंट नहीं है. लेकिन फिर भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे बॉटल्स हो गया, टॉयस हो गया, ये कंटेनर्स हो गया, इस तरह के प्लास्टिक के जितने भी होते हैं जिसका ज़्यादा बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं होता, थिन मटेरियल्स का ही बना होता है, तो उस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू. तो अब हम लोग देखते हैं ब्लो मोल्डिंग बेसिकली होता कैसे, उसका वर्किंग क्या है. तो सबसे पहले हमारा ब्लो मोल्डिंग क्या होता है, एक हॉट ट्यूब होता है जो कि जिस मटेरियल को हमको बनाना है सेम उसी मटेरियल का एक हॉट ट्यूब बनाते हैं. और उसको दो एक मॉल्ड होता है जो दो हाफ में डिवाइडेड होता है, उसके बीच में हम इंसर्ट करते हैं. और उसके बाद जो ये हॉट ट्यूब होता है जिस मटेरियल का हमको बनाना है उस मटेरियल का बना होता है, फिर उसके थ्रू उसमें जो है एक पाइप के थ्रू या तो हम गैस को, एयर को, या फिर किसी भी नॉन रिएक्टिव गैस को हाई प्रेशराइज 20-40 मेगापास्कल पर प्रेशराइज करके उसको ये पास करवाते हैं. तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेरा हॉट ट्यूब होता है वो आउटवर्ड की तरफ एक्सपैंड करता है, जिसके वजह से वो एक्सपैंड करेगा और जो मोल्ड का जो शेप होगा, इंटरनल शेप होगा, उसमें जाके उसका शेप ले लेगा हमारा प्लास्टिक का जो भी मटेरियल और मेरा जो भी पार्ट्स मैन्युफैक्चर हमको करना है, फिर वो बन जाएगा. तो उसके बाद हम फिर मोल्ड को ओपन करेंगे और हॉलो पार्ट्स को, हम लोग हॉलो शेप को जो भी प्रोडक्ट बना रहे उसको बाहर निकाल देंगे. तो इस यहाँ पे जो हिंदी में बोले उसको समझाया गया, इन ब्लो मोल्डिंग हॉट ट्यूब प्लास्टिक मटेरियल प्लेस बिटवीन टू हाफ्स ऑफ द मोल्ड. और उसके बाद फिर जो एयर और नॉन रिएक्टिव गैस को हम लोग ये पास करवाते हैं इस हॉट ट्यूब के थ्रू, तो इसके वजह से वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है और फिर वो मोल्ड का शेप ले लेता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली छः पार्ट्स में हमारे पूरे प्रोसेस को दिखाया गया है. सबसे पहले तो ये जो हो गया हमारा ये मोल्ड, सबसे पहले तो ये हमारा मोल्ड है जो दो हाफ में डिवाइडेड है, उसके बीच में इसको पैरिसन कहते हैं, जो कि मेरा जिस मटेरियल को हमको बनाना है प्रोडक्ट वो सेम मटेरियल का बना होता है और ये हॉट ट्यूब के शेप में होता है. ये पैरिसन जो है हम दो हाफ मोल्ड के बीच में इंसर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम मोल्ड को बंद कर देंगे और पैरिसन इसके बीच में रहेगा. और फिर एक पाइप जो ये जो है मेरा पाइप था, उस पाइप के थ्रू हम लोग गैस को, एयर को, या फिर हाई प्रेशराइज नॉन रिएक्टिव गैस को हम पास करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हॉट प्लास्टिक ट्यूब जो होता है वो एक्सपेंड करता है. तो मॉल्ड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में आ जाता है और हमारा जिस तरह का हमको शेप मैन्युफैक्चर करना है सेम शेप उसी को, मतलब हमारा जो प्लास्टिक मटेरियल है उस शेप का बन जाता है. फिर हम लोग थोड़े टाइम के लिए उसको याद छोड़ देते हैं, वो ठंडा होता है. फिर उसके बाद जो पेरिसन के बगल में जो पिन क्या लगा है, ये पिन नहीं है, ये जो दिखा रहा है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. अच्छा अच्छा, डायरेक्शन की, हाँ डायरेक्शन दिखा रहा है. फिर उसके बाद जब ठंडा हो जाएगा तो हम मोल्ड को ओपन कर देंगे,
और यहाँ पे हम लोग एक बोतल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस बोतल को बाहर निकाल देंगे, फिर उसके अलावा फिर अगर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट जो है ऊपर, अगर हमको ये ऊपर का पार्ट वैसा नहीं चाहिए जिसको हम हटा भी सकते हैं, मशीनिंग करके उसको हटा देंगे और हमको डिजायर शिफ्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका वर्किंग देख लिया, उसके एडवांटेज और लिमिटेशन देखते हैं। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज यही है कि हमको पता होता है किस तरह का शेप बनाना है और मोल्ड मेरा उसी शेप का होता है, तो इस वजह से हमको कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें टाइमिंग नहीं लगता, तो इस वजह से उसका प्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। हम लोग सिमिलर प्रोडक्ट्स को, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स को बहुत ही हाई प्रोडक्शन रेट, मतलब इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ये मैनुफैक्चर कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो हॉलो शेप्स होता है जिसका थिकनेस जो होता है वो बहुत कम होता है, वैसे शेप्स को हम लोग बहुत आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और इसमें जो इसको बनाने का जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मशीनिंग नहीं करना पड़ता और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन्स का यूज़ नहीं होता, जिस वजह से इसका कॉस्ट भी बहुत लो होता है। और इसमें जो स्क्रैप जनरेट होता है, आपको पता है कि जो शेप का रहेगा उसी शेप का मोल्ड बनाएंगे, तो इसकी वजह से स्क्रैप जो होगा वो बहुत कम जनरेट, थोड़ा बहुत जनरेट होता है, तो वो सब उसको नेगलेक्ट कर सकते, जिसमें स्क्रैप बहुत कम जनरेट होता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो सबसे पहले होगी इसमें ये लिमिटेशन कि हम बस हॉलो शेप का ही मैनुफैक्चर, अगर सॉलिड बॉडी हमको बनाना होगा तो उस तरह से हम सॉलिड बॉडीज का मैनुफैक्चर नहीं कर सकते, बस हॉलो शेप्स का मैनुफैक्चर कर सकते हैं। और इसमें थिकनेस का भी लिमिटेशन होता है, हम थिन मटेरियल्स को ही मैनुफैक्चर कर सकते हैं, ज़्यादा थिकनेस जिसका होगा वैसे चीज़ों को मैनुफैक्चर नहीं कर सकते। और इसका इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है हमको, क्योंकि एक प्रॉपर उसके लिए मोल्ड बनाना पड़ेगा और फिर उसके अलावा पैरिसन भी बनाना पड़ता है, तो इनिशियली उसका बहुत हाई होता है उसका कॉस्ट। और इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते, तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन ओवरऑल यही है कि हम हॉलो शेप्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्या हो सकते हैं, जैसे बॉटल्स हो सकते हैं, जार्स हो सकते हैं, वायर टैंक्स हो सकते हैं, मग हो सकते हैं, ट्वाइस हो सकते हैं, मतलब हम लोग जो जितना भी ट्वाइस देख रहे या फिर बहुत सारा प्लास्टिक मटेरियल देख रहे जिसका थिकनेस बहुत कम होता है, वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। हॉलो पार्ट्स बनाने के लिए कोई और भी तरीका है?